बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर जॉब्स आई हैं, तो जो मेरा दोस्त इसके अंदर अप्लाई करना चाहता है तो जल्द से जल्द इसके अंदर अप्लाई कर दें। और इसमें जो भी असामी है और इसके अंदर अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो वैकेंसी हैं वो टेक्नीशियन और लाइनमैन, और टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो इंटरमीडिएट विद साइंस, और इसके जो रिलेटेड जो इसका एक्सपीरियंस होगा वो, और इसकी जो एज लिमिट होगी वो 18 से 30 साल तक, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक इसके अंदर एज ली जाएगी। और नीचे लाइनमैन है, लाइनमैन के जो क्वालिफिकेशन होगी वो इंटर मैट्रिक होगी और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा, और इसके रिलेटेड इसका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक इसकी एज लिमिट होगी। तो इन दोनों वैकेंसीज के अंदर पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर शुदा हजरात हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप एप्लीकेशन लिखोगे, एक सादा कागज़ पे एप्लीकेशन लिखोगे फॉर जॉब्स एप्लीकेशन, और उसमें आप मेंशन करोगे कि आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे, वो आप लिख के उसके साथ अपनी CV अटैच करोगे और अपनी CNSE कॉपी और तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा के इसके साथ अटैच करके आप नीचे ये इन्होंने एड्रेस दिया है, आप इस एड्रेस पे आप सेंड करोगे डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स HQ SCO कासम रोड रावलपिंडी, आप इस एड्रेस पे इसको सेंड करोगे और नीचे इनका फ़ोन नंबर दिया है, आप इनका लाइन PCL नंबर, आप इस पे रब्ता भी कर सकते हैं आप। और जब जो भी वैकेंसी आप जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप जिस इन्वेलप में डाल के इसको सेंड करोगे, आप उसके बाहर कोने पे उस वैकेंसी का नाम लाजमी लिखें, ताकि आपके डॉक्यूमेंट किसी इदारे में जब जाते हैं ना तो आगे रिसीव करने वाले बंदे को पता चल जाता है कि इस बंदे ने किस फील्ड में अप्लाई किया है, तो उनकी